हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर सीवी श्रीधर सर के डायरेक्टर करियर के बारे में बताएंगे। सीवी श्रीधर ने 1961 में आई मूवी नजराना से अपने डायरेक्टर करियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में राज कपूर, वैजयंती माला, उषा किरण, जेमिनी गणेशन और आगा शामिल थे। इस मूवी का बजट 30 लाख रहा। भारत में कमाई 50 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1963 में सीवी श्रीधर की मूवी आई दिल एक मंदिर। इस मूवी लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, शोभा कोटे, अचला सचदेव, राजकुमार और महमूद शामिल थे। इस मूवी का बजट 55 लाख रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 10 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2 करोड़ 20 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1966 में सीवी श्रीधर की मूवी आई प्यार किए जा। इस मूवी लीड कास्ट में शशि कपूर, किशोर कुमार, मुमताज, कल्पना, ओम प्रकाश और महमूद शामिल थे। इस मूवी का बजट 50 लाख रहा। भारत में कमाई 90 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 75 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 1967 में सीवी श्रीधर की मूवी आई नई रोशनी। इस मूवी लीड कास्ट में अशोक कुमार, राजकुमार, माला सेना, विश्वजीत, अनवर हुसैन और अजित सेन शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1968 में सीवी श्रीधर की मूवी आई साथी। इस मूवी लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, सिमी गरेवाल, रीमा रॉय और डेविड अब्राहम शामिल थे। इस मूवी का बजट 80 लाख रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 80 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी अबव एवरेज रही। 1970 में सीवी श्रीधर की मूवी आई धरती। इस मूवी लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, वहीदा रहमान, कुमकुम, कामनी कौशल, शिवाजी गणेशन और अजीत शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1971 में सीवी श्रीधर की मूवी आई दुनिया क्या जाने। इस मूवी लीड कास्ट में भारतीय, परमेंद्र, अनुपमा और मनमोहन शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1973 में सीवी श्रीधर की मूवी आई गहरी चाल। इस मूवी लीड कास्ट में जितेंद्र, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, बिंदु, प्रेम चोपड़ा और चंद्रशेखर शामिल थे। इस मूवी का बजट 80 लाख रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 20 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1975 में सीवी श्रीधर की मूवी आई जागृति। इस मूवी लीड कास्ट में अवि भट्टाचार्य, मुमताज बेगम, विपिन गुप्ता, राजकुमार गुप्ता और रतन कुमार शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। 1982 में सीवी श्रीधर की मूवी आई दिल है नादान। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, जया प्रदा, अमिता पाटिल, टीना पाठक, ओम प्रकाश और आगा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। और यही अब तक की सीवी श्रीधर सर की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको सीवी श्रीधर सर का डायरेक्टर करियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू।